एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर वंस अगेन। आई नो काफ़ी महीनों बाद जो है चैनल पे वीडियो पोस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी ऐसी ही थी, सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जिसके नाते मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट अब जो है वापस बैक हो गया हूँ। अभी भी जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले, लेकिन अगर बीच में एक दो वीडियो नहीं भी आती है तो परेशान मत होइएगा। लेकिन ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लेके आया हूँ ट्रांसफ़र टॉक से रिलेटेड। और मेजरली जो है हम तीन जो है क्लब्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, फिर मैनचेस्टर सिटी के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे अपने क्लब बार्सिलोना के बारे में। तो बिना टाइम गवाए जो है वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लब के बारे में हम बात करते हैं, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप सबको पता है कि जोशुआ जिक्री की जो है डील जो है उन्होंने सबसे पहले डन कर ली थी, और अब जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलेंगे। और इतना शानदार जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने जो है ये डील निकाली है, क्योंकि एड ऑन करके जो है वो जो है विथ इन अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में जो है उन्होंने बांट दिया है, और अब वो एड ऑन करके जो है उसका जो है पैसा जो है वो पे करेंगे। लेकिन जोशुआ जिक्री जो है वो इतना जो है आप समझ लीजिए मैं कहूँगा उतना वैल्यू नहीं, मतलब उनका खबर उतना बम्पर की तरह नहीं फटा था। लेकिन जो लेनी यूरो की डील जो है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने निकाली है वो समझ लीजिए एकदम खतरनाक। मतलब मैड्रिड से अगर मैड्रिड किसी प्लेयर के लिए मार्केट में उतरी हुई है और मैड्रिड फाइट कर रही है और मैड्रिड वो फाइट हार जाए, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिन लोगों ने पहले से सपोर्ट किया है उन सबको पता है कि अगर रियल मैड्रिड को कोई टीम टक्कर दे सकता है तो वो बार्सा और मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है सिर्फ। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो करके दिखाया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेनी यूरो की डील जो है 62 मिलियन में जो है डन की है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा 2029 तक विथ अ ऑप्शन। मतलब एक साल का और ट्रिगर जो है वो कर सकते हैं अगर उनका जो है मंच है। तो ये काफ़ी खतरनाक, काफ़ी अंडररेटेड डील है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जाके जो है ओवर पे किया है 62 मिलियन, वो भी एक 19 साल के लड़के के लिए। देखो पहली बात, अगर एक साल और अगर यूनाइटेड इंतज़ार करती कि उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो अगर एज अ फ्री एजेंट ले आएँ, तो देखो फ्री एजेंट किसी भी दम पे जो है लेनी यूरो जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड कम नहीं आता, क्योंकि उसका पहला प्रायोरिटी हमेशा से मैड्रिड था। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है फिनिश होता तो सबसे पहले जो है मैड्रिड ज्वाइन करता फ्री में। और इसी नाते जो है रियल मैड्रिड भी जो है काफ़ी कम जो है 20 मिलियन 30 मिलियन इस तरह का ही डील जो है वो ऑफर कर रहे थे लेनी यूरो के क्लब को, लिली को। लेकिन अब जो है जैसे कि जो है डील जो है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने देखा कि जो है मैड्रिड का जो है पारा जो है थोड़ा धीमा हो रहा है, उन्होंने तुरंत जो है एक अच्छी बिड डाली और उसको जो एक्सेप्ट किया। और लेनी यूरो का कल जो है ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अब एक जो है क्वेश्चन जो है लेनी यूरो से जब साइन किया उन्होंने तो उससे पूछा गया कि वाई ही ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसने जो है एक सिंपल स्टेटमेंट कहा कि जब पहली बात मैंने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से बात की तो उन्होंने अपना क्लियर प्लान, उन्होंने अपना क्लियर प्रोजेक्ट रखा। अब देखो ये जो क्लियर प्रोजेक्ट है ना, आज के जो पिछले 15 सालों में जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने कभी भी एक क्लियर प्रोजेक्ट नहीं रखा था किसी भी प्लेयर के सामने। इसी नाते प्लेयर जो है वो उतना अच्छे अंडर रेटेड प्लेयर्स जो उन्हें ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन अब जो ये बोर्ड मेंबर आई है ये जो है इतने चालाकी से साइन कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं उस प्लेयर को कि वो प्लेयर जो है खींचा जो है आ जा रहा है। तो एक ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए। और साथ ही में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे डेलिट के बारे में। अब देखो डेलिट के बारे में अगर कहना, ऑल दो लेनी यूरो की डील साइन हो चुकी है, मैं चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो अभी भी डेलिट के लिए पुश करें। और अब जो है एक जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है एक है अपर हैंड रहेगा डेलिट के डील में बायन के साथ जब वो नेगोशिएट करेंगे। क्योंकि देखो बायन को पहले लग रहा था कि डेलिट जो है वो चाहिए ही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन अब जब लेनी यूरो को साइन कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है एक जो है अपना स्टेटमेंट जो है साफ साफ निकाल दिया है मार्केट में कि जो है हम एक प्लेयर के पीछे भागते हैं लेकिन उसका हम अल्टरनेट भी रखते हैं। तो अब जो है अब अपने टर्म्स पर बैठा के जो है, क्योंकि बायन को जो है वो डेलिट को बेचना है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदना है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड लेनी यूरो को खरीद चुके हैं तो उनका अब ज़्यादा गर्ज नहीं रहेगा। तो वो अब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड उतार सकते हैं बायन को जो है डेलिट का जो है डील डिस्कस करने के लिए।
तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अभी तो फिलहाल। ये मैं कहूँगा ट्रांसफर मार्केट जो सब एक क्लब के लिए सबसे अच्छा जा रहा है तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि काफ़ी अंडररेटेड, काफ़ी बढ़िया साइनिंग जो है वो निकाल के ला रही है। और एक जो है न्यूज़ जो है फैब्रिजियो की तरफ से और आया था कि उगार्डे के साथ जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है पर्सनल टर्म्स एग्रीड कर लिए, और उगार्डे जो है वो पीएसजी छोड़ के जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड आने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मतलब समझ रहे हो कितना क्या कहते हैं ब्रिलियंट तरीके से जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है इस ट्रांसफर मार्केट में जो है मूव कर रही है। और अगर इस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में अगर इनका बोर्ड मूव कर रहा है, अगर साइनिंग ला के टेन हैग को दिया जा रहा है, तो टेन हैग के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा कि इन प्लेयर्स के साथ जो है डेवलप कराना है। और अगर उगार्डे आएंगे तो मे बी जो है मैकटोमिने या फिर कैसेमिरो जो है हो सकता है कि क्लब लीव करें। अब ये तो बात की बात है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्लब के बारे में जो कि है मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी की सिर्फ एक न्यूज़ है, मैनचेस्टर सिटी ने सावियो को जो है वो साइन कर लिया है ट्रॉयस से 21 मिलियन प्लस कुछ एड ऑन, और वो एड ऑन टोटल मिला के जो है और 21 मिलियन का कुल लेके 33.6 मिलियन जो है यूरो पे जो है वो साइन कर लिया है मैनचेस्टर सिटी ने जो है सावियो को। और ये क्या कहते हैं आप देखो, एक स्क्वाड जो कि पहले ही वर्ल्ड क्लास है उसमें जो है ज़्यादा जो है आपको ऐड करने की जरूरत नहीं रहता है, बस हाँ एक से दो साइनिंग आप हर सीज़न ऐड करते हो ताकि जो है आपकी जो स्क्वाड है वो और कॉम्पिटिटिव हो और जो है बढ़िया बने। तो ये जो है इसी हिसाब से जो है पेप गार्डियोला ने जो है सावियो को साइन किया, और पेप गार्डियोला वैसे भी इस सीज़न के बाद जो है वो मैनचेस्टर सिटी छोड़ देंगे, तो वो तो एक अपना क्या कहते हैं अपना तो एक वो कंप्लीट कर लेंगे एरा, लेकिन उसके बाद जो मैनेजर संभालेगा, मैनेजर आएगा मैनचेस्टर सिटी को संभालने, उसके ऊपर भी जो है इन्हीं सब प्लेयर्स को लेके आगे बढ़ने का रहेगा। तो अगर वो स्क्वाड एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड उस मैनेजर को पहले से ही मिलेगी तो उसको जो है ज़्यादा जो है साइनिंग्स एंड ऑल अपनी टीम बनाने में फोकस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं जो अच्छे प्लेयर्स रहेंगे उसके साथ उसको जो है अडॉप्ट करने में क्या कहते हैं तुरंत समय नहीं लगेगा और वो जो है अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपने क्लब एफसी बार्सिलोना के बारे में। तो देखो आप सबको पता है कि बार्सा जो है वो नीको विलियम्स के पीछे जो है हाथ धो के पड़ी हुई है, और ये यूरोस के टाइम से ये जो है चला आ रहा है। क्या कहते हैं एक ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि जो है नीको विलियम्स के साथ जो है नीको विलियम्स के एजेंट के साथ जो है डेको ने जो है मीटिंग की थी एंड पर्सनल टर्म्स एंड ऑल जो है एग्री करने का जो है उस मीटिंग में जो है उन्होंने प्रयास किया था। अब नीको विलियम्स के साथ जो है एक जो दिक्कत आती है ना, नीको विलियम्स का जो क्या कहते हैं एथलेटिक क्लब बिल्बाओ जो है जिस प्राइस टैग में वो जाने देना चाहती हैं, जो रिलीज क्लॉज है वो 60 मिलियन है, जो कि एक आराम से कोई भी जो है डिसेंट क्लब जो है कोई भी अच्छा क्लब जो है पे कर सकता है। लेकिन अभी बार्सा के साथ जो है फाइनेंशियल क्रंचेस हैं और बार्सा को जो है अभी लाले पड़े अपने प्लेयर को जो है मैं कहूँगा क्या कहते हैं रजिस्टर करने के लिए ला लीगा में, तो वो 60 मिलियन कहाँ से जाके जो है दे सकते हैं। लेकिन हाँ एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि क्या कहते हैं नीको विलियम्स के साथ साथ जो है डैनी ओल्मो के लिए भी जो है बार्सा जो है पुश करेगी, और फॉर डैनी ओल्मो के नाते जो डैनी ओल्मो की साइनिंग जो बार्सा कर सकती है उसके लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेयर जो है बार्सा के क्या कहते हैं बार्सा में वो लीव करेगा। अब वो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट प्लेयर कौन होगा अब ये ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, हो सकता है ये एक र्यूमर भी हो, लेकिन ये न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा इसको कवर कर लूँ। और गुंडोगान तो देखो वो प्लेयर नहीं होने वाले हैं, अब बाकी देखते हैं वो प्लेयर कौन होगा जो कि लीव करेगा। और वो प्लेयर जो कि लीव करेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है वो हो सकता है मे बी विक्टर रोक। अब देखो विक्टर रोक क्यों होगा, क्योंकि देखो विक्टर रोक जो है वो 19 नंबर की जर्सी पहनते थे, लेकिन यमाल क्या कहते हैं लमीन यमाल को जो है 19 नंबर की जर्सी जो है बार्सा ने जो है हैंड ओवर कर दिया है, और क्या कहते हैं विक्टर रूप से जो है उनकी 19 नंबर की जर्सी छीन लिया। अब क्या शायद ये जो है विक्टर रूप को क्लब जो है कि ऐसा फील कराना चाह रही है कि हाँ आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं, अगर आप जल्दी से बैठ के हमारे साथ डिस्कस करके और अपनी आउटगोइंग जो है कन्फर्म कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा क्लब मिल जाएगा और हमें एक अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है वो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर जो है विक्टर रूप हो सकते हैं। और अगर देखो विक्टर रूप को भाई इतना मैं क्या कहूँ बार्सा को, जब विक्टर रूप को तुमको खिलाना ही नहीं था तो भाई जब जाबी की वो साइनिंग थी नहीं तुम्हारी थी नहीं तो फिर तुमने ज़बरदस्ती क्यों लेके जो है विक्टर रूप पाया, और अब जो है तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी जर्सी नंबर उससे छीन के जो है एक 17 साल के लड़के को देना, और ये डिसरिस्पेक्ट जो है क्या कहते हैं विक्टर रूक को खाली मतलब मुझे लग रहा है क्या कहते हैं बार्सा में विक्टर रूक को बुलाया गया था सिर्फ जो है बेइज्जत करने के लिए, और वही जो है इस टाइम चल रहा है। अब क्या कहते हैं सारे क्या कहते हैं क्लब्स की जो है क्या कहते हैं प्री सीजन ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, सारे प्लेयर्स जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है निकल के आ रहा है कि बार्सा के प्लेयर्स जो हैं कब कम बैक करेंगे ट्रेनिंग पे, कब जो है वो वापस जो है ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग को। तो देखो ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि रफीनिया जो है वो बार्सा का प्री सीजन ज्वाइन करेंगे एंड ऑफ द मंथ में, और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करेंगे यूएसए टूर के लिए जो है बाकी क्या कहते हैं प्लेयर्स के साथ।
और लेवेंडोस्की और क्रिस्चेंसन की बात करें तो वो मंडे तक जो है टीम ट्रेनिंग को जो है वापस से ज्वाइन कर लेंगे। और क्या कहते हैं बाकी जो है आपके प्लेयर्स हैं लाइक टर्स्टेजन, गुंडोगन, कुंदे, तो ये सब जो है ज्वाइन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीक अप्रॉक्स सैटरडे और संडे तक जो है ये लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो मतलब आप समझ लो कि आपका क्या कहते हैं ये मंथ एंड होते होते तक सारे प्लेयर्स जो है वापस आ जाएंगे और जो है यूएसए के लिए जो है फिर वो फ्लाई करेंगे जहाँ पे उनका प्री सीजन गेम होगा। बाकी आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी, क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है अपने ओपिनियंस जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ट्राई करेंगे डेली जो है कवर करने का जो है ये जो क्या कहते हैं ट्रांसफर टॉक्स एंड ऑल। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।